वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपको बात की जा रही है एंटोनिम की, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किया कि सर एंटोनिम का सीरीज दीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम इस प्रकार एंटोनिम आपको दे रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछता है ठीक उसी प्रकार है। एग्ज़ाम में ऐसे एक एंटोनिम दे देगा और आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, ठीक है। एक एंटोनिम और चार ऑप्शन होंगे और इनमें से कोई एक सही होगा। तो ठीक उसी प्रकार दिए हम आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी से आदत बनी रहे। तो आपको बहुत इजीली यहाँ पे एंटोनिम सीखने को मिलेगा। और जो भी नए कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। देखिए, एंटोनिम सीखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका जब पैसेज सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपको दो वर्ड सीखने को मिलते हैं। एक तो ये वर्ड और उसका जो उल्टा होता है यानी एंटोनिम, वो सीखने को मिलता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको यानी एक साथ कम से कम दो मीनिंग तैयार होती है। और यदि आप 15 या फिर 10 या 20 एंटोनिम एक दिन में याद करते हैं, तो उसका सीधे डबल आपका फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोगुना फायदा होता है और दोगुना एग्जाम में भी फायदा इस तरह होता है कि आप पैसेज में भी हेल्प मिलती है और साथ ही साथ आपको एंटोनिम से भी एक दो नंबर मिलता है, ठीक है। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट दिया हुआ है एथियस्ट। अब देखिए, इसके मतलब होता है कि यानी कि नास्तिक, ठीक है, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अथियस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे बहुत इजी है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे ए हो जाएगा, बिलीवर, ठीक है, मतलब कि आस्तिक होता है, और अथियस्ट मतलब नास्तिक, यानी आस्तिक मतलब जो विश्वास करता है और नास्तिक मतलब जो विश्वास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक्सेप्ट। अब देखिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि क्या, स्वीकार करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, इसमें बहुत इजी है, आपको दिख रहा है आंसर जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, रिफ्यूज। देखिए, रिग्रेट आप देख के ना इसको रिजेक्ट समझ जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में आप इसको रिजेक्ट समझ के और आंख मूंद के मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। रिग्रेट मतलब पछतावा करना होता है, ये रिजेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। एक्सेप्ट का रिजेक्ट इसलिए आप वहां पे पास में ही दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा एग्जाम में होगा। तो आपको एकदम केयरफुल्ली पढ़ के ही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग है और बहुत ही सतर्कता पूर्वक आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और आई होप कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है एग्री। एग्री मतलब क्या होता है, जनरल सी बात है, आपको पता होगा, एग्री मतलब सहमत होना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपको सही हो जाएगा, देखिए एग्री मतलब होता है सहमति, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा जी, बिल्कुल सही, यहाँ पे बी हो जाएगा, डिस एग्री यानी कि असहमत। बहुत इजी है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है ब्लंट। अब देखिए, ब्लंट मतलब क्या होता है, ये नया शब्द आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसा कि हमेशा हम कहते रहते हैं आपको, तो वो उसमें आप इसको लिख लीजिए। ब्लंट एक बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ पे इसका होता है मतलब कि सुस्त यानी डल, ठीक है, डल समझते हैं, सुस्त जो लोग होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तेज यानी कि शार्प, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया है वर्ट्यू। वर्ट्यू का मतलब होता है सद्गुण, ठीक है, कोई अच्छा सा गुण यानी सद्गुण, इसका मतलब होता है वर्ट्यू। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन, वाइस। वाइस मतलब क्या होता है, अवगुण होता है, ठीक है। इसको लिखते चलिए, जो भी आपको नए वर्ड मिल रहे हैं वो लिखते चलिए। देखिए ये देखने में छोटा लगे, इतना छोटा सा है डीम, ठीक है, लेकिन आप इसको जानते हैं। मुझे पता है कि डीम शब्द आपके लिए नया नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका आप नहीं जानते हैं। देखिए डीम मतलब क्या होता है, कम यानी हल्का या कमजोर या धीमा, ठीक है, क्या होता है, हल्का होता है या कमजोर या फिर धीमा। आप कहते हैं ना कि यार लाइट बहुत डीम जल रही है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है, ब्राइट माने तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है नैव। अब नैव मतलब क्या होता है, नैव मतलब नवसिखुआ होता है, नोवाइस पर्सन जिससे बनता है। तो यहाँ पे नवसिखिया लिख ले, या किसी चीज में अनुभवहीनता यानी कि कम अनुभव हो या वो नवसिखुआ हो तो उसे नैव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा जी, सोफिस्टिकेटेड, यहाँ पे यानी कि बी सही हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप काफ़ी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इरिटेट। कहते हैं यार इरिटेट मत करो, मतलब कि किसी चीज़ के लिए क्या करना, उत्तेजित करना या परेशान करना या खुजली करना। तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी कि सोथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया रफ। अब बताइए, रफ का तो काफ़ी ईजी है यार, रफ का तो स्मूथ होता है, आप कोई भी बता सकता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है ट्रू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही,
ये तो ये पूछा जा चुका है। देखिए आप इसको इजी मत समझिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये भी मुश्किल हो सकता है। इजी और मुश्किल का मापदंड यही होता है कि जो चीज आपको आ रहा है वो इजी है और जो नहीं आ रहा है वो हार्ड है, आपके लिए कठिन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है माय फ्रेंड, बहुत इजी ही पूछा जाता है, बस आप केयरफुली उसको करके आएंगे ना तो आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम 100% गारंटी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश वीक है वो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि हम इस तरीके से समझा रहे हैं, हम समझ के चल रहे हैं कि आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेम। अब देखिए फेम का ऑलरेडी फेम वर्ड हम आपको बता चुके हैं, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, पुराने कैंडिडेट्स होंगे तो आप जानते होंगे फेम मतलब क्या होता है, ख्याति, यानी कि कोई आदमी जिससे कि बहुत फेमस हो उसको मतलब ख्याति प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं, फेम कहते हैं, ठीक है। फेम मिलता है, नेम और फेम लोग कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑब्सिक्योरिटी, यहां पे जी बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फेम मतलब पता है ख्याति, लेकिन यार इन चारों में से कौन होगा ये चीज़ नहीं मालूम है, तो पहले इलिमिनेट करते हैं, यार ट्रू तो नहीं हो सकता, अब ख्याति से ट्रू से क्या संबंध है, ट्रूथ भी वही बात है और ट्रस्ट भी वही बात है, यानी कि तीनों लगभग एक तरह से साइनोनिम टाइप के हैं, तो यहाँ पे चौथा अलग है तो यानी यही सही होगा, ठीक है। तो इस तरफ ही क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कि इसकी मीनिंग आपका नहीं इसको माने पता है, तो इन तीनों को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका डेफिनेटली चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना, और लास्ट ये काइंड। अब देखिए काइंड मतलब सबको पता है यार, बहुत ईजी है कि दयालु होना, और इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, क्रूअल, जी बिल्कुल सही, क्रूअल, कुछ लोग नहीं पता होगा तो लिख लीजिए, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। तो ये रहे आपके पास 12 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, अभी देखिए शुरुआत है तो काफी थोड़ा इजी मिल रहे हैं, थोड़े टफ मिल रहे हैं, जैसे जैसे ये 12-13 ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा तो ये आपको टफ मिलता जाएगा, यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स जुड़ जाइए हमारे साथ, ये चैनल आपके एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, हम इसी तरह आपको एग्जाम के लास्ट टाइम तक हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।